गाइस, वेलकम टू माय चैनल अजूस फैशन। आज मैं शेयर करने वाली हूँ हाउ टू मेक लटकन डोरी, जिसे आप अपने सूट या फिर कमीज़ के बैक साइड में भी दे सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दे, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सबसे पहले मैंने 6-6 पीस के टोटल 12 पीस ले लिए स्क्वायर साइज में, जिसका साइज है 2.5। आप देख सकते हैं बोथ साइड है 2.5। और उसके साथ मैंने लिए है ये डोरी। सो सबसे पहले ये स्क्वायर पीस को ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद साइड से राउंड शेप दे देना है। ऐसे राउंड शेप देने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। ऐसे ही बाकी पीसेस को भी राउंड शेप में कट कर लेना है। मैंने ये बाकी पीसेस को भी राउंड शेप में कट कर लिया है। अब इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है, ताकि जितने भी थ्रेड वो बाहर ना निकले। स्टिच करते वक्त ध्यान रखें ज़्यादा कपड़ा फोल्ड नहीं करना है। ऐसे ही बाकी पीसेस को भी फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। और याद रखिए, स्टिच करते वक्त कपड़ा रॉन्ग साइड में होना चाहिए। स्टिच करने के बाद कट कर लेंगे। ऐसे ही मैंने बाकी पीसेस को भी फोल्ड करके स्टिच कर लिया सेम प्रोसेस में। उसके बाद डोरी लेंगे और उसमें 2 इंच का गैप देकर मार्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं 2 इंच, इसी 2 इंच के गैप में मार्क दे देना है। मैं टोटल 6 पीस लगाऊंगी ऐसे लटकन के, तो मैं यहाँ पे 6 मार्क दूंगी टोटल 2-2 इंच करके। आप चाहे तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डबल कलर मिक्स करके भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ वाइट कलर की दे रही हूँ। दूसरे साइड में भी मैं सेम प्रोसेस करते हुए मार्क लगा लूँगी। अब इस पीसेस को रॉन्ग साइड में प्लेस करते हुए डोरी के साथ स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे प्लेस कर रही हूँ, वैसे ही सेम प्लेस करना है और करने के बाद स्टिच कर लेना है। डोरी के साथ रॉन्ग साइड में प्लेस कीजिए और ऐसे प्लेस करने के बाद स्टिच कर लीजिए। स्टिच करते टाइम याद रखें मार्क के साथ ये पीसेस मिलनी चाहिए।
अब इसे सीधा कर लेंगे। बाकी पीसेस को भी वैसे ही रॉन्ग साइड में प्लेस करते हुए स्टिच कर लेंगे। भी अब सीधा कर लेंगे। ऐसे ही जितने भी 6 पीसेस है एक साइड में वैसे करते हुए लगा लूंगी। इसे भी वैसे ही टर्न कर लेना है। यहाँ पे पूरा मैंने लगा लिया है और यहाँ पे जितने भी थ्रेड निकले हुए हैं उन सबको मैं कट कर लूँगी। साइड का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे साइड में भी डोरी पे वैसे ही लगाना है सब बाकी सब पीसेस। सेम प्रोसेस करते हुए यहाँ पे भी बाकी सब पीसेस लगा लूँगी मैं।
ऐसे ही सारे पीसेस मैंने डोरी पे अटैच कर लिए हैं। अटैच करने के बाद थ्रेड को कट कर लूँगी और जितने भी निकले हुए थ्रेड हैं उन सबको भी कट कर लूँगी। गाइस आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल बन के रेडी हुए हैं। आप इसे किसी भी सूट के बैक साइड में या फिर लहंगा पे लगा सकती है, बेहद ही खूबसूरत लगेंगी। सो गाइस आई रियली होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉच।